ट्विस्ट, मिसेस कॉर्नी तुम्हें बुला रही है। ट्विस्ट, चलो बच्चों। मिसेस कॉर्नी मैम, क्या है ओलिवर? मुझे अपनी लॉकेट दिखाएंगे प्लीज? मैंने तुम्हें क्या कहा था ओलिवर ट्विस्ट? जब मैं बारह का हो जाऊंगा तब मिलेगा। अगर मैं अच्छे से रहा तो। ये कारखाना है, खेल का मैदान नहीं। अपनी चीजों के लिए मेहनत करो वरना तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे, समझे तुम? एक बार दिखाएंगी प्लीज? कितनी बार देख चुके हो तुम प्लीज? गुजर गई थी ग्रॉवनर स्क्वायर लंदन में। ये पिक्चर मेरी माँ की है। तुम्हारी माँ एक सड़क पर रहने वाली भिखारिन थी जो तुम्हें जन्म देते ही दुनिया से चल बसी। वो अच्छे घराने से नहीं थी। तो फिर वो कौन थी? जाओ अपना काम करो, जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। छह साल बाद हो गया है। चलो बच्चों, चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी, चलो मैंने कहा, चलो जल्दी। हाँ हाँ चलो, तुम चलो, चलो उधर। हम इस स्वादिष्ट अच्छे खाने के लिए आपके आभारी हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिलदार मिसेस कॉर्नी का भला हो। और प्रार्थना करते हैं कि दिलदार मिसेस कॉर्नी का भला हो। आमीन, आमीन। जिसकी लकड़ी सबसे छोटी होगी वो जाकर और खाना मांगेगा। हम और नहीं मांग सकते, ये रूल के खिलाफ है। तुम कभी कुछ गलत नहीं करते ना ट्विस्ट, हमेशा तमीज से रहते हो ना। लो चलो निकालो। मुझे हमेशा अच्छे से रहना है ताकि मुझे अपनी माँ का लॉकेट मिल मैंने जाए। मैंने कहा ना निकालो। अरे निकाल ना, चल एक चुन ले, वो बीच वाली ले, वो बीच वाली। चल जाओ ओलिवर, जाओ और खाना लेकर आओ। तो क्या बात है, डरते हो? प्लीज मैम थोड़ी और चाहिए मुझे, प्लीज मैम मुझे थोड़ी और चाहिए। दो मछलियाँ हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सब के लिए खाना खरीदें? वहाँ लगभग 5,000 पुरुष थे। प्लीज मैम थोड़ी और चाहिए मुझे। क्या कहा तुमने? प्लीज मैम थोड़ी और चाहिए मुझे। मेरे कारखाने में दोबारा कोई नहीं मांगता।
अब तुम्हें पता चलेगा कि गटर में सोने और ठंड में रहना कैसा लगता है। मेरे लॉकेट मैम, मुझे मेरे लॉकेट चाहिए। मैंने कहा था कि जब 12 के होगे तब कल मेरे बर्थडे है, मैं 12 साल का हो जाऊंगा। तुमने अपना वादा तोड़ा है, अच्छाई का इनाम मिलता है याद है, और उसी तरह बुराई करने पर सजा भी मिलती है। चलो बताती हूँ तुम्हें, अभी बताती हूँ मैं, अभी बताती हूँ तुम्हें, नहीं मिलेगा तुम्हें कोई लॉकेट। निकल जाओ, नहीं मिलेगा लॉकेट। Thank you.
पेपर ले लो, पेपर ले लो, आज की ताजा खबर। छूना मत, मेरे साथ चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखो, अगर तुम वो सेब चुराते तो क्या होता, तुम पकड़े जाते। और इससे गलत काम कुछ नहीं है, चोरी एक कला है। मैं नहीं चाहता कि कोई अनाड़ी आकर ये पेशा खराब करे। मैंने तो वो बूढ़ा तुम्हें पकड़ लेता, तुम्हें खूब पीटता और फिर पूरे बाजार में ये खबर फैल जाती। और फिर बताओ कि मुझ जैसों का क्या होता जो बेईमानी करके जीने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है मेरे छोटे साथी? ओलिवर ट्विस्ट। रहने की जगह है? नहीं, मुझे ग्रोवनर स्क्वायर पर जाना है। एक बात कहूँ, एक बूढ़ा है जो तुम्हें खाने और रहने की जगह देगा, जिसे मैं जानता हूँ। वो लंदन में एक ऐसी जगह में रहता है जिसे ढूंढना नामुमकिन है, जब तक कि तुम्हारे साथ कोई अच्छा गाइड ना हो। तुम वो रास्ता जानते हो? क्या दोगे मुझे? माफ करना, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस आदमी से कुछ चुरा सकूं वो मेरा ग्राहक है, जिसकी जेब खाली है वो है मेरा दोस्त। जैक डॉकिंस नाम है मेरा। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर डॉकिंस। पर मेरे अपने और मेरे चाहने वाले मुझे डॉचर कहते हैं, शातिर डॉचर। कैसे हो थॉमस? अच्छा हूँ डॉजर, तुम कैसे हो? और सब ठीक ठाक? कैसा है? एकदम बढ़िया। अरे धीरे चलो, टांग तोड़ोगे क्या? चलो आ जाओ, वो बूढ़ा आदमी यहीं रहता है, आ जाओ। वादा करो कि तुम इस जगह के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। वादा करता हूँ। तुम्हें मालूम है खबरी क्या होता है? क्या होता है? खबर देना, चुगली करना, धोखा देना, वो बुरे काम जो इंसान इंसान के साथ करता है। फिक्र न करो डॉजर, मैं बहुत ईमानदार हूँ। वारे, मैंने ईमानदारी के बारे में कुछ नहीं कहा, समझे? यही वो जगह है। देखो देखो, डॉजर आ गया, चलो चलो। डॉजर, अपने साथ किसे लाए हो? कौन है ये बच्चा और क्या चल रहा है? हा? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये क्या है? आज तुम चुन लो। बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है। फेगिन कहाँ है? अंदर है। ये बैग उसने मुझे दिया। फेगिन, फेगिन, आपको अपने नए दोस्त से मिलवाने में मुझे बेहद खुशी हो रही है, मास्टर ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर, मेरे बच्चे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बड़ा तमीजदार बच्चा है, लगता है बड़े अच्छे हालात में पला है। ये देखो, क्या अकलमंद बच्चा है, हमारे लिए तोहफा लेकर आया है। प्लीज सर, मेरी माँ की ये आखिरी निशानी है, मुझसे ये मत छीनिए। इसकी मदद से मैं अपने परिवार को ढूंढने वाला हूँ। अब हम ही तुम्हारा परिवार है बच्चे। ये कौन सा इत्र लगाया है तुमने? फॉरेन का या फिर किसी भालू का? ठीक है बच्चों, अपने इस नए मेहमान को अपनी मेहमान नवाजी का एक नमूना दिखाएं। नए चिछड़े दो मास्टर ओलिवर के लिए। हाँ चलो चलो, जल्दी से कपड़े ले आओ। दिखाओ तो सही। नहीं, ये नहीं, दूसरा दिखाओ, दूसरा वाला दिखाओ। तुम्हें भूख तो लगी होगी, तो थोड़ा सा नाश्ता हो जाए। अगर एक पाव मिल जाए तो काफी होगी सर। Thank you.
अब तुम यहाँ आराम करो मेरे बच्चे। ये हमारा अपना घर है, हम यहाँ मजे करते हैं, पर हमें प्यार और शांति से रहना पसंद है। बिल, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, हमारा घर तुम्हारा ही है। मेरा मनपसंद डॉगी। पिछले संडे जो मैंने काम किया उसके पैसे कहाँ हैं? उन चीजों के उतने पैसे नहीं मिले जितने की उम्मीद थी। अपने ये बेकार के बहाने मुझे मत सुनाओ फैगन। तुम सारी वो रसीदें देख लो, तुम जानते हो कि मैं हिसाब के मामले में कितना पक्का हूँ। कैसे हो बच्चों? कैसी हो नैंसी? हाय नैंसी। बुलसाय, मुझसे धोखा बहुत महंगा पड़ेगा फैगन, समझे? बुलसाय, आजा मेरा अच्छा बच्चा। नैंसी, तुम्हारे आने से इस बूढ़े की जिंदगी में बाहर आ जाती है। एकदम बकवास। अच्छा ये कौन है? ऑलिवर ट्विस्ट मैम। कितना प्यारा लड़का है ना। यहाँ तुम्हें सबसे अच्छे किस्म के लड़के मिलेंगे माय डियर। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं ऑलिवर? वो मर चुके हैं। अगर मैं मम्मी बन जाऊँ तो अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा मैम। नैंसी, चपड़ चपड़ बंद करो और यहाँ फौरन। ये रसीदें देखो, लगता है ये बूढ़ा मुझे फिर से धोखा दे रहा है। बच्चों, मिस्टर साइक्स और मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है, और तुम लोगों को भी निकलना है काम पर। चलो अब जाओ। रॉजर, इस लड़के का पूरा ख्याल रखना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसे कुछ नहीं होगा। चलो ऑलिवर। जाओ यहाँ से। वो देखो, पैसे वाली पार्टी आ रही है, चलो। दूर हटो मुझसे, हट जाओ। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। चलो हटो यहाँ से। साहब के सामने साहब की इज्जत खराब कर रहे हो। साहब को जाने दो, सुना नहीं? चलो चलो जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से। शुक्रिया नौजवान, इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फर्ज था सर। तुमने उनकी पॉकेट बुक क्यों चुराई? तुमने देखा नहीं वो कैसे देख रहा था हमें, जैसे कि हम कोई कचरा हो। और उस मेम साहब ने तो नाक पर रुमाल रख लिया था ताकि हमारी बदबू ना आए। ए, चलो सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। डॉजर, तुम मिस्टर फेगिन के साथ कब से हो? 9 साल की उम्र से। वो क्या है कि सर्दियों के मौसम में मेरा पूरा परिवार मारा गया। तुम्हारे मम्मी या पापा कोई भी नहीं रहे? मेरे डैडी सब्जी बेचते थे, मेरी माँ उनकी मदद करती थी, दोनों मारे गए। सॉरी दोस्त। इससे चाहिए, मैं अपने परिवार को ढूंढने वाला हूँ, फिर चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। जी सर। पर किस लिए? वो सिर्फ हम पर हुक्म चलाते रहते हैं, कुछ गलत किया तो हम पर चिल्लाते हैं और हमेशा तमीजदार बनने को कहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? ओ, कुछ नहीं सर। अगर तुम अपनी मस्ती और आज़ादी खोना चाहते हो और वो सब जो इस बेदर्द दुनिया में जीने लायक है तो ठीक है। इस दुनिया में बहुत सी अच्छाई भी है। ये तुमने कहाँ सीखा? अनाथ आश्रम में। बस मुझे मालूम है, अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। जब उंगलियां और पैर तेजी से चलेंगे तब ना। दुनिया में कितने नेक लोग हैं, जैसे मिस्टर फेगिन। फेगिन नेक है जब उसका मतलब हो तब। और मिस नैंसी। नैंसी अच्छी है, पर वो बिल इतना बुरा है कि उसमें 100 नैंसी समा जाएगी। और तुम रॉजर, तुम तो मेरे दोस्त हो। क्या कहा, दोस्त या भेस बदला हुआ एक दुश्मन? कोई भी दोस्त भरोसे के लायक नहीं है। कमजोरी है। ओ, कितने अनमोल हैं ये। कितनी बार देखूं दिल ही नहीं भरता। ये लाल, नीला, पीला, मेरे बुढ़ापे का सहारा।
से जगे हुए हो, जल्दी बताओ। मैं अभी जगा हूँ सर। क्या तुमने वो प्यारी सी चीजें देखी? वो मेरी है, वही सब मेरे बुढ़ापे का सहारा है। बूढ़ा होना बड़ा दुखदाई होता है, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, पर अगर तुमने मेरा माल चुराया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सजा के मामले में मैं बेरहम हूं, जो मर जाते हैं वो अपनी कहानियां नहीं सुना सकते, समझ गए हैं? जी सर। मैंने तुम्हें डरा दिया, माफ करना। क्या है कि अगर ये बक्सा कहीं खो गया तो मैं सड़क के किनारे टिन का डिब्बा पकड़े रहूंगा। इस उम्र में वो हालत अच्छी नहीं लगेगी ना। पर मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है ना, क्यों ओलिवर? नहीं सर। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें नींद आ जाएगी? आ जाएगी सर। जाओ सो जाओ। देखो तुम एक अच्छे बच्चे हो, हमें खुशी है कि तुम हमारे साथ हो, उम्मीद है कि तुम भी खुश हो। मिस्टर फेगिन, क्या मेरा लॉकेट उस बक्से में है? हाँ है ना मेरे बच्चे। ये बहुत कीमती है, ये मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा है। तो फिर ये इस बक्से में एकदम महफूज रहेगा। यहाँ चारों ओर चोरों का राज है। सकती हो क्या? मेरी समझ में नहीं आता। मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पास ढेरों हीरे जवाहरात हैं। अगर ढेरों हीरे जवाहरात होते तो तुम्हें एक ताज तो बनवा ही देता। उठ गए बच्चे, तुम्हारा खिला हुआ चेहरा देखकर हमारी तबीयत खुश हो जाती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर फेगन। मॉर्निंग मिस नैंसी। मॉर्निंग ओलिवर। डॉजर, सब लोग कहाँ पर है? काम पर जा चुके हैं। मैं भी काम करना चाहता हूँ। तुम जरूर करोगे मेरे बच्चे। पहले एक कप चाय पी लो। नैंसी, जरा इसे चाय पी। चलो आओ ओलिवर, बैठ जाओ। लाओ। ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या आज सुबह मैं अपना मुंह धोना भूल गई थी? आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। तो तुमने ज्यादा लड़कियां नहीं देखी? हाँ नहीं। तुम एक प्यारे से नन्हे बंदर हो। कितने साल के हो? यही कोई 12? कभी मैं भी 12 की थी, बरसों पहले। आप तो जवान है नैंसी। शायद मैं ओलिवर जितनी थी ना जब मैं बिल से मिली थी। हाँ शायद, लेकिन तब वो अलग था। हम में से शायद कोई भी वक्त की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। जिंदगी में तकलीफें तो आती ही रहती हैं, पर खुशी के पल भी हैं। बिल नाराज होगा अगर मैं खाली हाथ घर वापस गई तो। चलो चलो फेगिन, जल्दी से अपनी जेब ढीली करो। फेगिन ठीक है, लो इन सिक्कों से उसको खुश कर देना भाई। लो, तुम हमेशा मुझे लूटती रहती हो। मैं जानता हूँ कि वो एक मशहूर चोर और कातिल है और मैं एक लाचार बूढ़ा। बाय ओलिवर। बाय मिस नैंसी। बड़ी प्यारी है ना। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। आपकी बीवी नहीं है मिस्टर फेगिन? अफसोस नहीं है, अकेला हूँ सिवाय मेरे बच्चों के, पर वो भी एक दिन मुझे छोड़ जाएंगे। वो बड़े होंगे, जेल जाएंगे, और फिर मेरे पास क्या रहेगा? मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ओलिवर, तुम दिल खुश कर देते हो। एक छोटा सा खेल खेलना चाहोगे? मुझे खेल पसंद है, डॉजर ने भी सिखाया है। तुम हमेशा डॉजर का कहना मानते हो, वो तुम्हारा आदर्श है। अब देखो ये रुमाल मेरी जेब से थोड़ा निकल रहा है ना, तुम देख रहे हो ना? जी सर। अब क्या बच्चे, तुम मुझसे नजर बचाकर इसे मेरी जेब से निकाल सकते हो?
तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? आओ, पकड़ लिया। देखो ऑलिवर, कभी सामने वाले की पकड़ में ना आओ। सॉरी सर। नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से बात बनती है। ओ माफ करें सर। शाबाश बच्चे, अकलमंद हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा अकलमंद बच्चा नहीं देखा। ये लो सिक्का। मेरे लिए सिक्का? मुझे अब तक किसी ने सिक्का नहीं दिया। नहीं, फैगिन के साथ होते ऐसे और भी कई सिक्के मिलेंगे। क्या ये लड़के चोरी का काम करते हैं? नहीं, इसे चोरी नहीं कहते, इसे कहते हैं दौलत की फेर बदल। देखो ऐसा है कि हम अमीरों से दौलत लेते हैं, ये इस तरह देखा, और उसे गरीबों में बांट देते हैं, ये इस तरह। ये काम हम करते हैं, ऐसा होता है। तुम कह सकते हो कि हम रॉबिन हुड हैं। तुम रॉबिन हुड को जानते हो? वो एक महान आदमी थे। वो एक महान आदमी थे और तुम खुद भी एक महान आदमी बन सकते हो अगर तुम मेरी हर बात मानो तो। अब ओलिवर, चलो तुम्हारा काम शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं कानूनी तौर पर तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम बहुत बहुत तरक्की करो और अपने इस गुरु का नाम रोशन करो। चलो अब जाओ, निकलो यहाँ से, सबके साथ काम करो, अपना काम समझो, दिन रात अमीरों से दौलत बटोरते रहो और फिर सब कुछ यहाँ वापस ले आओ। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? बेगन के लड़के पकड़े नहीं जाते। जिमी टेट को पुलिस ने पकड़ा था। तो फिर क्या हुआ? वो अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए इस देश के सबसे ऊंचे स्कूल में गया है। वो बेचारा 2 साल जेल में सड़ता रहा। जरा सोचो कि वहाँ जिमी ने कितना कुछ सीखा होगा। वो वहाँ लंदन के महान चोरों के साथ है, वो उसे वहाँ पर अपना हर तरीका हर पैंतरा सिखाएंगे। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। डॉजर, क्या हम किसी दिन ग्रोवनर स्क्वायर जा सकते हैं? किस लिए? वो मेरे लॉकेट वाली लेडी वही रहती है। तुम्हें उस शानदार इलाके में ताक झांक नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्या तुम खुश नहीं हो ओलिवर ट्विस्ट? मैं बहुत खुश हूँ डॉजर, पर अगर फेगन मर गया तो वो तो बहुत बुरा है ना, फिर हम क्या करेंगे? हम अपना गैंग बनाएंगे। मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे असिस्टेंट। खूब शैतानी करेंगे। हम इतने तेज और शातिर होंगे कि कोई हमें पकड़ नहीं सकेगा। तलाश जारी है ओलिवर ट्विस्ट की। ओह नो। इनाम 1,00,000 उसके सर के। तुम लंदन के सबसे महान और कामयाब चोर बनोगे। मैं अभी से देख रहा हूँ। ओलिवर, तुम्हें मालूम है कि आज कौन सा दिन है? नहीं सर। आज तुम पहली बार जेब काटने वाले हो। अब ये किसी भी लड़के के लिए एक महान दिन है, पर खासकर तुम्हारे लिए। तुम्हें हमारे साथ रहे सिर्फ 3 महीने हुए हैं। तुम एक बॉस की तरह सब कुछ देखते आ रहे हो। एक पढ़ाकू बच्चे की तरह तुम इस कला के बारे में सब कुछ सीखते रहे हो।
अब तुम्हें वो ज्ञान इस्तेमाल करने का सही मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वो तीन सुनहरे कायदे दोहरा दो। हर जेब में सोना नहीं होता, फिर भी उसे जांच लो। एकदम सही कहा। मेहनत करो तभी जुर्म का फल मिलता है। और तीसरा, अगर कभी पकड़े जाओ तो खबरी ना बनना। बहुत अच्छे बच्चे, इस कायदे को अपने दिल पर छाप लो। बस यही है मेरे पास तुम्हें सिखाने को, सिर्फ इतना ही ज्ञान है इस बूढ़े दिमाग में। तुम दुनिया के लिए तैयार हो? तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ। की बाइंडिंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर कोटने। गुड मॉर्निंग। किताब की क्या कीमत है? आप वो दाम पूछ रहे हैं, कोई गवाह नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब वो ये फिर से पढ़ रहे हैं। अभी उनकी जेब से कुछ भी निकाल लोगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। दिखा दो अपना कमाल। नहीं, वो वाला दिखाइए। वो अंकल हैरिस। रोको उसे, रोको उस लड़के को। चोर चोर, पकड़ो उसे, चोरी करके भाग आए। चलो चलते, जल्दी उस तरफ जाओ, छुप जाओ। वो उस तरफ गया, जल्दी आ जाओ। वो आ गया है। वो गया नहीं था, लेकिन उस तरफ इस उम्र में ऐसी हरकत नहीं। चलो जाओ अंदर, चलो अंदर, यही तुम्हारा नया घर है, समझे? ये सिला मिला है मुझे तुम्हें सड़क से उठाकर पालने का और तुम्हारे बालों से जुए निकालने का। ये सिला मिला है मुझे तुम्हें वो सारी मिठाइयाँ देने का जो तुम्हारा दिल बार बार मांगता था। इज्जत से बात कीजिए, मैं किस्सेदार चोर हूँ। तुम्हें वो दिन याद है जब जिमी टेट पकड़ा गया था? तो क्या हुआ था है? हमें ठिकाना बदलना पड़ा था, महीनों तक छिप कर रहना पड़ा था। शांत हो जाइए, जिमी धोखेबाज था, ओलिवर वैसा नहीं है। पुलिस का डंडा बड़े बड़े वफादारों को गद्दार बना देता है। ओलिवर भरोसेमंद है, वो सच्चा है। वो कहां ले गए हैं उसे? ओलिवर ज्ञान पाने के लिए उस मशहूर स्कूल में गया है। जाओ जल्दी, निकलो यहां से, जाओ पता लगाओ कि वो कहां है। अरे जाओ, कभी तो कोई काम करो, यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। उस लड़के ने मेरी घड़ी चुराई है। इनकी टोली ने लंदन में तहलका मचाया हुआ है। ये समाज के नाम पर धब्बा है और इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? ओलिवर ट्विस्ट सर। चुन कर नाम रखा है, जाहिर है नकली है। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? वो नहीं रहे सर। तुमने वो घड़ी चुराई है? नहीं सर, वो दूसरा लड़का था। योर ऑनर माफ कीजिए। कहाँ जा रहे हो? वो सही कह रहा है, मैंने वो सारा किस्सा देखा था। तुम कौन हो और तुम वहाँ क्या कर रही थी? वकालत? सर, मैं मिस्टर ब्राउनलो की भतीजी हूँ। मैं किताब वाली दुकान पर थी जब ये चोरी हुई। उस किताब वाले ने भी देखा था। मिस्टर कोर्टनी, इन्हें बताइए। वो लंबी टोपी वाला लड़का था जिसने इनकी घड़ी चुराई। क्या ये लंबी टोपी वाला लड़का तुम्हारा दोस्त है? क्या नाम है उसका? मैं और कुछ नहीं बता सकता सर। नहीं बताओगे?
तो 6 महीने की कैद कोर्ट की मानहानि करने के लिए। योर ऑनर, इस लड़की को जेल की नहीं, एक घर और प्यार की जरूरत है, और तभी ये जिंदगी में कुछ बन पाएगा। आप इसे जेल भेज देंगे तो इसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। तुम्हें इसकी इतनी परवाह क्यों है? हाँ, और आप परवाह क्यों नहीं करते योर ऑनर? ठीक है लड़के, तुम आजाद हो, पर मेरी सलाह है इस कोर्ट में खड़े सभी लोग अपनी जेबें संभाल लें। अगला केस। ओलिवर ट्विस्ट, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मिस। मेरा नाम रोज मेली है। तुम कहाँ रहते हो ओलिवर? एक नेक बूढ़े आदमी के साथ एक बहुत पुराने गोदाम में, बहुत अच्छी जगह है। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम हमारे साथ हमारे घर में रहना चाहोगे? अच्छे बिस्तर पर सोना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और बढ़िया खाना खाना। वो नेक बूढ़े बाबा मेरा इंतजार करेंगे मैम। तुम एक दिन तो हमारे साथ रहकर देखो, तुम्हें ग्रोवनर स्क्वायर अच्छा लगेगा। ग्रोवनर स्क्वायर? तो आप ग्रोवनर स्क्वायर में रहती हैं? हाँ, मैं वाकई ग्रोवनर स्क्वायर में रहती हूँ। मिसेस बेडविन, ये ओलिवर ट्विस्ट है, ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने वाला है, और इसे ऊपर वाला बेडरूम देंगे जहाँ से बगीचा दिखता है। जरा नहाने के लिए गर्म पानी दे दीजिए, और मैं दर्जी को बुलवाकर इसके लिए नए कपड़े बनवा लेती हूँ। चलो आओ ओलिवर। तो जब वो लड़की ओलिवर के पास आई तो क्या कहा उसने? उसे कहाँ ले जाएगी कुछ जिक्र किया? मुझे सोचने दो। हाँ, अगर थोड़ा बहुत मिल जाए तो सब कुछ याद आ जाएगा। तुम लोगों को इसकी सजा भुगतनी होगी। हाँ, अब याद आया, अब उसने जिक्र किया था किसी ग्रोवनर स्क्वायर और ब्राउन लोस का। बहुत अच्छे, मेरा फंस जाए तो मैं इन्हें फांसी दे दूँ। मेरी लाइब्रेरी में से भिजवा दो। बहुत अच्छे सर। गुड नाइट ओलिवर, हमें खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। ये वही है। कौन? मेरी लॉकेट वाली लेडी, ये ग्रोवनर स्क्वायर में 1823 में मरी थी। कौन थी ये? ये मिस्टर ब्राउनलो की बीवी थी, मेरी आंटी। कहाँ है ये लॉकेट, दिखाओ मुझे। फेगिन के पास है। वही बूढ़े नेक आदमी मेरे लिए संभाल कर रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शायद ये है कि तुम्हारी माँ इनकी बेटी थी। हो सकता है कि तुम मिस्टर ब्राउनलो के नाती हो, और वारिस। एग्नेस मेरे अंकल और आंटी की इकलौती संतान थी, पर वो चली गई। वो क्यों चली गई? क्योंकि उन्हें बच्चा होने वाला था। बच्चे का पिता एक शादीशुदा इंसान था, वो लंदन गई और हमने उन्हें कभी नहीं देखा, पर वो हमेशा अपनी माँ की तस्वीर वाला लॉकेट पहना करती थी। अगर वो वही लॉकेट है तो तुम मेरी कजिन हुई। हाँ बिल्कुल, हमें वो लॉकेट वापस लाना ही होगा। उसने कोर्ट में मुंह नहीं खोला, वो हम सबको पकड़वा सकता था। बिल, उसे फिर से यहाँ लाने में बहुत खतरा है, वो सही हाथों में, उसे रहने दो वहीं। रहने दो वहीं? तुम सब चाहते हो कि हम अपनी जिंदगी उस भिद्दी से अनाथ बच्चे के हाथ में सौंप दें जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चुराया? रहने दो उसे वहीं।
तुम्हारे पीछे तो वो सालों से पड़े हैं फैगन। अगर उसने मुंह खोल दिया तो बेहतर होगा कि तुम खुद ही जेल जाकर उनसे अपनी कोठरी का नंबर पूछ लो। जहां तक इस बिल साइक्स का सवाल है तो वो मुझे पकड़ते ही फांसी पे लटका देंगे। अगर भीड़ से मैं बच पाया तो। बिल, ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें मत करो, ऐसी बात करने की जरूरत कैसे की तुमने? उसे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो तुम? सबसे पहले तो तुम्हें मारना चाहिए, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से भी पकड़ा गया। वैसे ये बात नामुमकिन है बिल, पर तुम्हारा शक सही है। ऑलिवर हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है, वो गलत जगह पर मुंह खोल सकता है। मैं कह रहा हूँ वो नहीं बोलेगा। जानबूझकर नहीं बोलेगा, यूं ही बातचीत के दौरान, और फिर हमारा खेल खत्म। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें उसे वापस लाना ही होगा। अब तुम ही बताओ कि उसे कैसे वापस लाएं। मैंने कुछ सोचा है नैंसी। नैंसी हमारी मदद कर सकती है ना नैंसी? क्यों? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। हमने पूरा एक हफ्ता ऑलिवर को घर में ही बंद कर रखा है, इसे ताजी हवा और एक्सरसाइज की जरूरत है, इसलिए हम टहलने जा रहे हैं। मेरे पास उससे बेहतर आइडिया है। ऑलिवर जरा यहां तो आओ। तुम ये किताबें उस किताब वाले को दुकान में वापस दे आओगे, इससे ताजी हवा भी मिलेगी और एक्सरसाइज भी। बहुत अच्छी सर। ये बहुत कीमती है, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मैं इन्हें संभाल कर लेके जाऊंगा सर। ये वही दुकान है जहाँ तुमने तुम्हारे साथी ने मेरी घड़ी चुराई थी। तो आप मानते हैं सर कि मैंने वो घड़ी नहीं चुराई? ओलिवर जब तुम पहले हमारे घर आए थे तो मैंने सोचा था कि एक दिन सुबह आग खोलने पर हमें पूरा घर खाली मिलेगा, पर तुम तो बहुत ही अच्छे मेहमान रहे हो। अब ये मिस्टर कोटनी के पास ले जाओ और वो तुम्हें इसके बदले में कुछ पैसे देंगे। उन पैसों को तुम जैसे चाहो वैसे खर्च कर लेना। सच सर? हाँ, इस काम में तुम्हें 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मैं 20 मिनट में आऊंगा। हाँ 20 मिनट सर। बर्कली स्क्वायर जा रहा है, जाओ फेगिन को बताओ। ओलिवर, 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 बर्कली स्क्वायर में है, कोई किताब की दुकान पर जा रहा है। ब्रायन! जी सर। ब्रायन! बिल साइक्स को बुलाओ। जी सर। जाओ बिल साइक्स को लेकर आओ। वो देखो आ रहा है, थैला तैयार रखना। मैं अपना काम जानता हूँ। ओलिवर, नैंसी, कैसी हो? मैं एक किताब वापस करने जा रहा हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, जाना है जल्दी से। हम लोग कितने दिनों से, चलो डॉजर, थैला कहाँ है? थैला दो मुझे। अरे बहुत मजा आएगा बेटा, चलो मेरे साथ। हाँ मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, चलो चलो उसे किताब दिलाएंगे ना। चलो चलो चलो, हे क्या कर रहे हो? हटो। तुम्हें दोबारा देखकर बेहद खुशी हुई मेरे बच्चे। तुम हमें संदेशा भिजवा देते कि तुम आने वाले हो तो हम तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनवा कर रखते। ओलिवर के पास पैसे हैं। ए! वो मेरे हैं फैगन। नहीं, नहीं नहीं, ये नोट मेरे हैं, किताबें तुम रख लो। मुझे वो किताबें नहीं चाहिए। मैंने काम किया है, मुझे पैसे चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो पैसे वो किताबें सारी मिस्टर ब्राउनलो की है। काफी अमीर बंदा लगता है। उस ब्राउनलो के यहाँ धावा बोलना चाहिए ना बिल।
अब तुम्हें क्या हो गया है, हैं? जब तुम्हारी जरूरत थी तो तुम कहां थे? ओलिवर, क्या बताया बेटे तुमने मिस्टर ब्राउनलो को? उन्हें कुछ बताया तुमने? नहीं। और क्या तुमने उन्हें हमारे इस ठिकाने के बारे में कुछ बताया? नहीं। तुमने उन्हें कोई नाम बताया, जैसे बिल साइक्स या नैंसी या हमारे किसी भी प्यारे साथी का नाम? नहीं। और सबसे जरूरी, तुमने अपने इस बूढ़े फैगिन के बारे में क्या बताया? यही कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से रखा। मैंने कहा था कि ये नहीं बोलेगा। ओलिवर, तुम दुश्मन के हाथों में पड़ गए थे और तुम्हें इज्जत के साथ छुड़ा लिया गया है। प्लीज मुझे वो पैसे दे दीजिए, मिस्टर ब्राउनलो सोचेंगे कि मैंने चोरी की है। तुम्हें कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं किसी भी तरह साबित कर दूंगा कि मैंने चोरी नहीं की है। कैसे? अपनी बातों से? तुम्हारी बात पर अब कोई भरोसा नहीं करने वाला है ना? वैसे भी किसे जरूरत है छोटे लड़के की, सिवाय मिस्टर फैगिन के। उसे तंग मत करो, तुम पहले ही काफी नुकसान कर चुके हो। नुकसान पहुंचाने पर कोई पाबंदी है क्या? अगर तुम्हारी अपनी माँ होती तो उसे भी धोखा दे देते। अरे ये भी कोई बात करने का तरीका है? मेरी माँ मर चुकी है इसलिए पता नहीं चलेगा। बढ़िया आई। अभी तक नहीं लौटा ना? नहीं। मुझे मालूम था। बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या क्या करते हो। उनका फायदा उठाता हूँ। हाँ सही है, उन्हें इस्तेमाल करता हूँ, उन्हें खिलाता हूँ, रहने के लिए छत देता हूँ, वो बीमार हो तो उनका ख्याल रखता हूँ, पर मैं मुफ्त में कुछ नहीं करता। मैं अपनी जमा पूंजी का मुनाफा कमाता हूँ। बस ध्यान रहे कि हमें अपनी इस जमा पूंजी का खास ख्याल रखना होगा, समझ गए? तुम्हें ये बात अजीब लगेगी बिल, पर मैं कुछ समझा नहीं। देखो बात यह है, मेरे पास एक खास प्लान है जिसे अंजाम देगा ओलिवर ट्विस्ट। बढ़िया प्लान। तुम बिल की हर बात मानना और फिर वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो मेरे साथ क्या करेगा? तुम्हें सिखाएगा उसके तरीकों को गौर से सीखना। वो बहुत ही काबिल है और चूंकि उसे जल्द ही फांसी होने वाली है तो उससे जल्द से जल्द सब सीख लो। मैं आता हूं अभी, नजर रखना इस पे। भूख नहीं है? नहीं। बुखार तो नहीं है ना? मैं दिन भर सोच रहा था मिस्टर ब्राउनलो और मिस रोज के बारे में। वो मुझसे नफरत करते होंगे कि मैंने उनके पैसे और किताबें घुमा दी। इस बारे में सोचकर क्या फायदा जब कुछ नहीं कर सकते। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। चलो खाकर तो देखो। अच्छा ये देखो, अब बताओ ये कौन है? ये तो मेरे ख्याल से बिल साइक्स है। हाँ ये बिल है। जानते हो जब मैं पहले उससे मिली थी कितना हैंडसम था। वो मेरा हीरो था, मेरा ना परिवार था ना घर, उसने मेरा साथ दिया। तब वो इतना बुरा नहीं था। एक के बाद एक चीजें होती गईं और उन्होंने
उन लोगों के घर रहना तुम्हें अच्छा लगा था? बहुत अच्छा लगा मुझे, प्यार से रखा था। हाँ, और वहाँ एक खूबसूरत लड़की भी थी नैंसी। खूबसूरत मुझसे भी? वो थोड़ी अलग थी। अब चलो, बिल के लौटने से पहले मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आती हूँ। ये लो। तुम बस मेरे साथ रहना। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी बिल। मैंने कहा था ना वापस आऊंगा। फिक्र थी क्योंकि तुम नाराज थे। मैं इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना, ये कहीं भाग जाता तो। मेरे खिलाफ जाने की कभी कोशिश मत करना नैंसी। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए, कोई भरोसे के लायक नहीं इस दुनिया में। इतने साल साथ रहने के बाद भी नहीं समझे बिल, मेरा हाथ छोड़ो। मिसेस साइक्स, क्या है? क्या आप मुझे ताला खोलना सिखाएंगे? ताला? कौन सा ताला? मिस्टर फेगिन के पास मेरी एक चीज है, मुझे वो चीज वापस चाहिए। फेगिन? तुम्हें मालूम है फैगन अपना खजाना कहाँ रखता है? वो जगह देखी है मैंने। तो मतलब मैं और तुम पार्टनर बन के ये काम कर सकते हैं? हाँ, वो ताला दिखने में कैसा रखता है? ये फैगन का घर का रास्ता नहीं है, हम जा कहाँ रहे हैं? चुप रहो, चलो ऊपर चलो, चलो। ये तो मिस्टर ब्राउनलो का घर है। हाँ। मुझे उनके घर में चोरी नहीं करनी है। मुंह बंद रखो अपना। आ जाओ। जी सर। किताबें? सारी चांदी कहाँ है? मैंने कोई चांदी नहीं देखी। क्या कहा? डाइनिंग रूम में। तो चलो वहां। और क्या है इनके पास? सेवरात वगैरह? हमने बहुत सारी चांदी ले ली है, मिस्टर फेगिन बहुत खुश होंगे, हमें निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ, इस घर की मालकिन का कमरा कहाँ है ओलिवर? शोर नहीं मचाओगे ना?
इस चांदी ने मेरी जान बचा ली। अफसोस की बात है। अब मेरा मतलब है ये प्लेट इसे तो हम गलाएंगे क्यों? हम काफी कुछ उड़ा सकते थे, पर ये लड़का है ना, इससे वो बैग गिर गया। क्यों? गलती से गिर गया। छोड़ दो इसे। बच्चों, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ये शाम उतनी कामयाब नहीं थी पर फायदेमंद रही। हाँ हाँ, लेकिन अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए। नहीं बिल, ये मुमकिन नहीं है। देखो, ऐसा है कि इनकी कीमत तो जान ले। तुम ऐसा करो कि कल वापस आ जाओ। है बिल्कुल ठीक है। नहीं 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 नहीं, वैसे मैं तुम्हें इसके कुछ कुछ पैसे तो दे ही सकता हूँ ना। थोड़ा सा एडवांस ले लो। तुम सालों से मुझे धोखा दे रहे हो फेगिन, बंद कर दो ये सब। चले पार्टनर, तुम चल रही हो? नैंसी, सुना नहीं दे रहा क्या? उस बात का क्या मतलब था बच्चे? मैं नहीं जानता सर। कुछ चल रहा है मेरी पीठ पीछे और मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती बच्चे। बिल साइक्स जाना माना चोर और कातिल है। मैं ऐसे कई चोर और कातिलों को पकाकर हजम कर चुका हूं। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि काश तुम्हें डॉजर ने सेब चोरी करते हुए ना पकड़ा होता और ना ही रहने के लिए तुम्हें यहाँ लाया होता। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। याद है दोस्तों के बारे में मैंने तुम्हें क्या कहा था? वो कभी ना कभी दुश्मन बन जाते हैं। ये बात नहीं है। आज मिस्टर ब्राउनलो ने मुझे चांदी चोरी करते देखा और साइक्स मिस रोज को मार सकता था। डॉजर, इसे कोई मामूली खेल मत समझो। ये कभी भी खेल नहीं था, वो तो हम समझते थे। यहां से भागने का मौका मिले तो भाग जाना। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। वो बड़े घर में रहना, नौकरों के बीच, वहां तुम पढ़ लिख भी जाओगे। अब ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद यहां से भाग जाऊंगा, पर तुम जचते हो उन सबके बीच ना। मुझसे वो सब नहीं होगा, पर अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम वापस जाना और वहीं रहना। मुझे बताना वो कहां जाती है और क्या करती है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। मुंह संभालो अपना। लेकिन क्यों करूं मैं उसका पीछा? सवाल मत पूछो बच्चे, वो करो जो कहा है। मैं उसे अंदर नहीं आने देती सर, पर वो ओलिवर च्विस्की को एक खबर लाई है। मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता।
मैंने उस लड़के पर भरोसा किया और उसने इस बात का फायदा उठाया। क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ जो इस गलती को दोबारा करूंगा? मैं और इंतजार नहीं कर सकती। नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? ओलिवर ट्विस्ट, वो बड़ी मुसीबत। वो तो होना ही था। उसने मेरे पैसे चुराए, किताबें चुराई और चांदी भी चुराई। वो मजबूर था, उसके सर पर बंदूक तनी थी। अंकल, मैंने आज तक कभी इतना नेक और सच्चा बच्चा नहीं देखा। मैं उस लड़के के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। क्या बात है? तुम शायद वही खूबसूरत लड़की हो जिसके बारे में उसने बताया था। किसने मेरी बात की थी? मिसेस बेडविन, छोड़ दीजिए इन्हें। ओलिवर ट्विस्ट, क्या हुआ ओलिवर को? वो कहाँ है? अगर आप लोगों ने उसे नहीं बचाया तो जल्दी वो किसी जेल की कोठरी में होगा। मैंने उसे वापस ले जाने में मदद की थी जब आपने उसे किताबें और पैसे देकर भेजा था। मैं जानती थी उसे मजबूर किया होगा, पर अब वो उनके पास है और वो उसे जाने नहीं देंगे। कौन है ये लोग? क्या ये वही आदमी फेगिन है? नहीं, नाम नहीं बताऊंगी। आपने मुझे मजबूर किया तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मत जाओ, हमें सिर्फ ओलिवर की फिक्र है। तुम उसे यहाँ ला सकती हो? नहीं, यहाँ नहीं, पर शायद कहीं और। जरा मुझे सोचने दो। हम तुम्हें कहीं भी मिल सकते हैं, कभी भी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जितने कहो उतने देंगे। ठीक है, कल रात। लेकिन कहाँ, कौन सी जगह? लंडन ब्रिज। पर मैं अपने दोस्त के सोने के बाद ही निकल पाऊंगी। आधी रात, आधी रात हम पहुंच जाएंगे। तुम उसे ढेर सारा प्यार दोगी ना? जिस काम के पैसे दिए थे वो हुआ या नहीं? हाँ, मैंने किया उसका पीछा। तो धोखा दे रही मुझे? नहीं बिल, नैंसी कोई गलत राह पर नहीं है। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे बाकी के पैसे दे दो। तुम कुछ छुपा रहे मुझसे? नहीं। तो फिर बताओ क्या खिचड़ी पक रही है? नहीं, कुछ नहीं। जान से मार दूंगा, सालों से तुम्हें मारना चाह रहा हूँ डॉजर, अब बता दो वरना गए काम से। वो आज रात को उन रईसों को लंदन ब्रिज पर मिलने वाली है और वो अपने साथ ओलिवर को भी वहां ले जाएगी। बिल्कुल झूठ बोल रहा तुम, क्यों यकीन करूं तुम पर? तुम सिर्फ एक झूठे धोखेबाज और पॉकेट मारो बस। लेकिन काम में माहिर। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। हाँ, कभी कभी मैं उसके ऊपर हाथ उठा देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो। उसकी ये बुरी खबर मुझे देनी पड़ी। मेरे बाकी के पैसे मिलेंगे? क्या? मेरे बाकी के पैसे, प्लीज। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं जानता हूँ कि आज रात तुम्हारे वो रईस लोग कहाँ मिलने वाले हैं। रोज, मिस्टर ब्राउनलो, कहाँ? लंदन ब्रिज पर। नैंसी तुम्हें वहाँ ले जाने वाली थी पर बिल को पता चल गया, पता नहीं कैसे। शायद बिल के अपने जासूस हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें वहाँ ले चलूं। मुझे एक चीज लानी है, मैं तुम्हें पुल पर मिलूंगा। जहाँ बहुत से मालदार लोग होंगे मैं वही तुम्हें मिलूंगा। बाय। आइए अंकल, जल्दी आइए। बिल, कल तुम्हारा पीछा किया गया था, झूठ मत बोलना मुझसे। तुम गलत सोच रहे हो बिल। सोचा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगी। ओलिवर की खातिर बिल,
और कोई भी हो लेकिन तुम नहीं। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी बिल। जल्दी आओ ओलिवर, मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही थी। नहीं बिल्कुल नहीं बिल, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा मारता रहता हूँ। नहीं कसम से ऐसा नहीं है बिल। मार खाने से पहले सामने वाले को मार दो। नहीं बिल, मैं तुम्हारा नुकसान। कुछ तो हुआ है वरना वो आ गई होती। रोज क्यों ना हम पुलिस के पास चले। नहीं नहीं अभी नहीं, वो जरूर ओलिवर को लेकर आएगी। बोल जाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे कितना समझाया लेकिन वो मानी नहीं। ये सब तो होना ही था। नैंसी, ओलिवर ट्विस्ट, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं। इधर लेके आओ। नीचे रख दो। तुम मुझे कोई तकलीफ तो नहीं देने वाले ना बच्चे? वो आपके हाथ में क्या है? फेगिन का खजाना। शाबाश बच्चे। क्या ये खून है? हम पार्टनर बन सकते थे, मैं और तुम। हमारी बहुत ही अच्छी जोड़ी बनती। मुझे सिर्फ अपना लॉकेट चाहिए मिस्टर साइक्स, बाकी आप सब रख सकते हैं। वाह, इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रहे हो ओलिवर ट्विस्ट? तुम जब से आए हो सिर्फ परेशान ही करते रहे हो। मैं सब खत्म कर दूंगा। ठीक है, मार दीजिए मुझे, कोई बात नहीं। ऐसी दुनिया में जीने से क्या फायदा जहां आप जैसे लोग हो। मुझ जैसा? क्या मतलब है कि मुझ जैसा? मेरे जैसा कोई भी नहीं है। कोई नहीं है बिल साइक्स जैसा। क्या मतलब है तुम्हारा? एक थी वो मिसेस कॉनी जो मुझे भूखा रखती और पैसे चुराती, और फेगिन जिसने मुझे चोरी करना सिखाया। चोरी करना? वो नौ सिखिया? वो क्या सिखाएगा? कम से कम आज तुम एक काबिल आदमी के हाथों मरोगे। क्या बेकार रात है, मुझ जैसे बूढ़े को तो उजली धूप में वक्त बिताना चाहिए। बिल, तुम्हें ये कैसे मिला? तुम्हारे इस असिस्टेंट ने निकाला, काबिल लड़का है। ओलिवर, तुम भी बाकी लोगों की तरह निकले। क्या यही वो लड़की जिससे आप मिलने वाले थे? हाँ यही है वो लड़की। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। ये क्या बिल साइक्स का डॉगी है? ये हमें उसके पास पहुंचा देगा। आइए आइए सब लोग, चलो 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 भाई, जल्दी जल्दी करो, चलो। फैगन, मैं ये बॉक्स ले जा रहा हूँ और लंदन छोड़ रहा हूँ। मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे। सौदा बिल, हम खजाना बांट लेंगे, एक तिहाई तुम्हारे लिए, दो तिहाई मेरे लिए। ये सही है ना? तुमने बहुत बेवकूफ बनाया फेगिन। हमने सालों एक साथ काम किया है बिल। सालों तक तुम मुझे लूटते रहे हो। तुम जवान हो बिल, तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है। तुम तिगुनी दौलत जमा कर सकते हो। देखो मेरे बुढ़ापे का तो सिर्फ यही एक सहारा है। गद्दार धोखेबाज कहीं के।
तुम्हारी मुसीबत अभी खत्म कर देता। ओ! तुमने बहुत गलत किया है बिल साइक्स। क्या मतलब है तुम्हारा डॉजर? इसने नैंसी को मार दिया है। पहले मुझसे उसकी जासूसी करवाई, फिर उसे मार दिया। तुमने नैंसी को मारा, वो चाहती थी तुम्हें। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बिल। वो ऑलिवर को उन रईसों के हवाले करने वाली थी, फिर हमारा खेल खत्म। मैंने सब कुछ हम सबके लिए किया है। बहुत बड़ी गलती की। बुलजाए, वो आ रहा है। वो बॉक्स तो फेगिन। कभी नहीं। फेगिन, बॉक्स। मिस्टर साइक्स, उसे मत मारिए। मिस्टर फेगिन। आजा बच्चे, चल। शाबाश, चल जा, चल जा, जल्दी। उसे क्यों ले जा रहे हो? क्या? छोड़ दो उसे। कोई मुझ पर गोली चलाएगा तो कम से कम ये बच्चा आगे रखने के काम तो आएगा। साइक्स! शाबाश, ऊपर चढ़ जा, शाबाश। ये सिला मिला है तुम्हें नैंसी को धोखा देने का, रॉजर। चलो ऊपर चढ़ो, आ जाओ। शाबाश। कहाँ है वो? कहाँ है वो? रुको, रुको, बाहर निकलो। बताओ, बताओ, बताओ कहाँ गया बिल साइक्स? तुम्हें लगता है मैं बताऊंगा? मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। ऑलिवर की खातिर प्लीज हमारी मदद करो, उसे सिर्फ बचाना चाहते हैं हम। साइक्स उसे ऊपर छत पर ले गया है और वो ऊपर जाने वाली सीढ़ी भी अपने साथ ले गया है। चलो ऊपर, चलो, चलो हटो, चलो जल्दी, चलो नीचे, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो। मुझे देखते रहो ना बच्चे, मुझे तुमसे पैसे लेने चाहिए ये सब सिखाने के। यही वो घड़ी है जहां से हम अलग होंगे। मैं यहां से झूल जाऊंगा, सीधा बंदरगाह पहुंचूंगा, फिर जहाज पकड़ूंगा और चीन चला जाऊंगा। यहां से निशाना लगाओ। नहीं नहीं, ओलिवर को लग ना जाए। ये क्या कर रहे हो बच्चे? मुझे अपना लॉकेट चाहिए। बॉक्स दो। नहीं दूंगा। मैंने कहा मुझे वो बॉक्स दो। नहीं दूंगा। कौन था ये आदमी? ऑलिवर। मिस्टर फेगिन। ऐसा लग रहा था आप मर गए। एक आखिरी सबक सीख लो मिस्टर फेगिन से, मास्टर ट्विस्ट। कभी अंदाजा मत लगाना।
बेचारा बिल साइक्स, लगता है उसे अपने किए का फल मिल गया। ओलिवर ट्विस्ट, अब तुम नीचे आ सकते हो, हम तुमसे वहीं मिलते हैं। मैं खुद को संभाल लूंगा, तुम जाओ अच्छे बच्चे, खुश रहना। मैं अपनी चीज लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तुम्हारा मैं कुछ समझा नहीं बच्चे। वो लॉकेट। लॉकेट 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 नहीं, मुझे तो कोई लॉकेट याद नहीं। मिस्टर पेगन, पुलिस यहाँ किसी भी पल आती होगी, जानते हो ना? लॉकेट लॉकेट बहुत प्यारा है। वैसे ये तुम जैसे लड़कों के पहनने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं है। उसके बदले में तुम अपने उस खूबसूरत दोस्त के लिए ये बढ़िया सी चीज ले लो। ले ले लो नहीं लॉकेट मिस्टर फेगन, वरना पुलिस को खबर कर दूंगा। खबर दोगे? खबर दोगे फेगन की, जिसने तुम्हें तब पनाह दी जब तुम सड़क पर थे और तुम्हारे तन से बदबू आ रही थी? खबर दोगे फैगिन की, जिसने तुम्हें कपड़ा दिया और खाना दिया? आपने मुझे चोरी और धोखा सिखाया। हाँ, मैंने ये किया। और देखो तुम क्या सिला दे रहे हो, तुम मेरी मेहनत से पाया हुआ खजाना छीन कर मेरी खबर देने की धमकी दे रहे हो। क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को? वो लॉकेट मिस्टर फैगिन। ये लो, चलो जाओ, चलो जाओ यहाँ से, बड़ा पैंतरेबाज निकला। ये सच है, आपने मुझे तब रखा जब मेरा यहाँ कोई नहीं था। मैं भूख से सर्दी में जमकर मर गया होता। फिक्र न कीजिए मिस्टर फेगिन, मैं पुलिस में खबर नहीं दूंगा। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। चलो हटो, रास्ता छोड़ो, जाने दो। आगे बच्चा, आगे बच्चा, आगे। ठीक है, चलो जाओ बच्चे। ओलिवर, थैंक गॉड। मिस्टर ब्राउनलो, मिस रोज, मेरे पास वो लॉकेट है। हम तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देंगे। ये वाकई मेरी बीवी की तस्वीर है, तुम उससे हमेशा सच बोलते रहे। ओलिवर बेटा, हमें माफ कर दो। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है नाना जी। ये रहा लड़का, चलो वैन लाओ। डॉक्टर, मिस्टर ब्राउनलो तुम्हें बचा सकते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगा, फिर वो पुलिस को सब बता देंगे और तुम छूट जाओगे। क्या तुम मुझसे वो हक छीनना चाहते हो जिसके जरिए मुझे उस महान स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा? मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि कहीं वो मुझे ऐसी कोठरी में न बंद कर दे जहाँ मुझे सिखाने वाला कोई ना हो। उम्मीद है कि वो मुझे इस देश की बेहतरीन कोठरी में बंद करेंगे। मुझे तुम्हें जेल में देखना अच्छा नहीं लगेगा। ओह, मैं वक्त का सही इस्तेमाल करूँगा। मैं वादा करता हूँ, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो दुनिया के सभी चोर और जेबकतरों को मुझ पर नाज होगा। हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया और मुझे खुद को बेहतर बनाने का मौका मिल गया। हम जैसे बच्चों को भला और क्या चाहिए? क्यों? मैं जरूर मिलने आऊंगा तुमसे। ना, वो जगह तुम्हारे लायक नहीं है, बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा डॉक्टर। और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चलो। और एक दिन जब तुम अपने जेब में हाथ डालो और तुम्हें तुम्हारा पर्स ना मिले तो समझ जाना कि डॉक्टर आसपास ही है। बाय डॉक्टर। चलो
अच्छाई की जीत होती है मेरे बच्चे, अच्छाई की राह पर ही चलना।